घटना गत 17 जून की है, जब एक 9 वर्षीय बच्चे के सिर पर बल्ले से प्रहार कर घायल कर दिया गया, पर अब तक उसे न्याय नहीं मिल पाया है। टेलको थाना अंतर्गत नवी नगर के रहने वाले पेशे से शिक्षक सैयद शराफत हुसैन अपने 9 वर्षीय पुत्र सदारत हुसैन को न्याय दिलाने के लिए महाभर से एसपी कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। घटना 17 जून की है, जब मोहम्मद दानिश नामक युवक ने बच्चे के सिर पर बल्ले से प्रहार कर दिया था। अब पिता को केस वापस लेने के लिए धमकाया भी जा रहा है। और ये बच्चा 17 जून की शाम को मैदान में बैठा हुआ था, दानिश से, एसके दानिश, पिता एसके मुकीम के नाम करके लड़का आया और बैट से मार दिया इसको, 2 बैट। 3 दिन से बेहोश था मेरा बच्चा, कुछ खाया पिया नहीं, एमजीएम लेकर के भागे और प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। आज 1 महीना होने जा रहा है, हम एसपी के पास आए 26 तारीख को, इस पर कोई ध्यान नहीं है। उसका वो लड़का सब हमको धमकी देता है कि अभी तो बच्चे को मारे, अभी तुमको जान से मार देंगे, और हम लोग के पास नोट है थाना को, तो जान से मार देंगे, केस उठा लो, लेकिन हम जान से मार देंगे, लेकिन हम केस नहीं उठा, हमको गला पर खर्जन भी चढ़ा देंगे, हम केस, हमको न्याय चाहिए। ईद से सामने, ईद का पर्व, पैसे कम होता है, हम एक सहायक शिक्षक हैं, मदरसे में इधर उधर पढ़ाते हैं, और ईद का हम कैसे मनाएंगे? ईद के दिन अगर हमको न्याय नहीं मिला तो हम जाकर एसपी के पास धरने में बैठ जाएंगे। हम सीडीएसपी के पास शिकायत लेकर पहुंचे एक व्यक्ति ने अज्ञात व्यक्ति पर उनका फेसबुक अकाउंट हैक कर गलत इस्तेमाल की शिकायत की है। साइबर क्राइम के तहत किसी अज्ञात व्यक्ति ने किशोर कुमार वर्मा के फेसबुक अकाउंट को हैक कर लिया है। इतना ही नहीं, हैकर द्वारा उनके अकाउंट से अश्लील वीडियो पोस्ट और शेयर भी किया गया है। भुक्तभोगी द्वारा एसपी से शिकायत करने के बाद एसपी ने एक्सपर्ट द्वारा उनके अकाउंट को क्लियर करवा दिया, तब जाकर उन्होंने राहत की सांस ली। आज एसपी साहब से मिलने हम लोग आए थे कि मेरा फेसबुक अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है और उसका दुरुपयोग कर रहा है। उसका दुरुपयोग करने का मतलब है कि उसका डर्टी पिक्चर सेंड करके पूरा वायरल कर दिया है, जो कि समाज के लिए बहुत ही नुकसानदायक और बहुत ही चिंतनीय है। और इस प्रकार से और भी होता होगा। जब हम लोगों को, मेरे पर खुद पर ये चीज़ गुजरा, तब मुझे समझ में आया कि ये तो बहुत ख़राब चीज़ है, बहुत गड़बड़ है। मुझे फीडबैक भी मिलने लगा, तो मैं सोचा कि एसपी साहब से मिलकर करके इसका निदान कराना चाहिए। हम लोगों ने अभी एसपी साहब से मिला तो एसपी साहब ने अपने स्तर से तुरंत कार्रवाई करते हुए इसको मैंने क्लियर कराने का आश्वासन दिया, क्लियर हो गया। उनका टेक्नीशियन बताया कि अब आपका अकाउंट ठीक हो गया, जाइए अब आप काम कीजिए, अगर फ्यूचर में कुछ होगा तो बताइए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जुगसलाई में एक युवक ने पड़ोस में रहने वाली युवती से न सिर्फ छेड़छाड़ की बल्कि तेजाब फेंकने की धमकी भी दी है। अपने परिजनों के साथ एसपी के पास शिकायत लेकर पहुंची रूबी नामक युवती का कहना है कि पड़ोस में रहने वाले निजाम नामक युवक हमेशा छेड़छाड़ करता है। विरोध करने पर उसने चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी भी दी है। तो मैंने पहले, हम जाते थे दुकान जाते जाते निजाम नाम का लड़का है, हम लोग सामने घर में रहता है, तो मेरे साथ बदमाशी कर रहा था, तो बटन डालने की कोशिश किया, सीट डाल देंगे ऐसा बोलता है, हम लोग को डर लगा रहता है, हम लोग क्या करेंगे के लिए गए, तो मेरे भाई को ऊपर जाने वाला हमला किया। उसके बाद हम लोग को बहुत डर लग रहा है कि हम लोग कहाँ जाए, क्या करें, थाना भी हम लोग गए बोलने के लिए, थाना वाला भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, हम लोग का घर से नहीं निकलते हैं, बोलते हैं सीट सीट देंगे। जुगसलाई स्थित बसंत रेसिडेंसी के रहने वाले बिल्डर की वायदा खिलाफी की शिकायत उपायुक्त से की है। जुगसलाई स्थित बसंत रेसिडेंसी के रहने वालों का कहना है कि मेसर्स तपाड़िया कंस्ट्रक्शन द्वारा उनसे वायदा खिलाफी की गई है और सोसाइटी के अधिकांश कार्य अधूरे छोड़ दिए गए हैं। उनका कहना है कि बिल्डर द्वारा अभी कई काम शेष है, पर वो अक्सर टाल मटोल करते आ रहा है, जिससे वहाँ करीब 72 फ्लैटों के रहने वाले परेशान हैं। बसंत रेसिडेंसी हर हर गुट्टू से आए हैं हम लोग, वहाँ पर बसंत रेसिडेंसी बना हुआ है, उसका कंट्रैक्टर उसका तपड़िया जो बिल्डर है वो हम लोग का बिल्डर है, वो एग्रीमेंट के हिसाब से 3 साल से हम लोग वहाँ रह रहे हैं, लेकिन वो अपना काम कभी पूरा नहीं करता है। जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर हाँ कह कर के हम काम करेंगे, लेकिन काम नहीं करता। क्या काम बाकी किया अभी? वो लिफ्ट नहीं लगाया है, बाउंड्री नहीं किया है, लैट्रिंग एरेस्टर का काम है वो नहीं किया है, और बसंत रेसिडेंसी जो लिखना है लैट्रिंग एरेस्टर, बसंत रेसिडेंसी का नेम प्लेट जो होता है वो सब नहीं लगाया है। ये सारा काम करीब 7-8 लाख रुपया का, बाकी वो नहीं करता है। कहाँ आए आज? यहाँ डीसी के यहाँ हम लोग भेंट करने आए थे,
डीसी ने कहा कि आप लोग का पेपर ले लिए हैं, लेकिन आप उपभोक्ता फोरम में जाइए, वहाँ कारोबार केस कीजिए। भारत स्वाभिमान न्यास पतंजलि योग समिति एवं खालसा क्लब द्वारा 5 दिवसीय योग विज्ञान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 17 जुलाई से 11 जुलाई तक चलने वाली 5 दिवसीय योग विज्ञान शिविर में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था रखी गई है। पुरुषों के लिए सुबह के सत्र में तथा महिलाओं के लिए शाम का सत्र निर्धारित है। भारत स्वाभिमान न्यास पतंजलि योग समिति द्वारा गुरुवार को उक्त जानकारी दी गई। अर्जुन शर्मा, भारत स्वाभिमान के संगठन मंत्री। खालसा क्लब में जी टाउन महिला संघ की ओर से 5 दिवसीय किया है। यह शिविर 2 पाली में चलेगा, सुबह में 6 से 7:30 बजे तक पुरुषों के लिए और शाम में 4:30 से 6:30 बजे तक महिलाओं के लिए। महिला पुरुष को अलग अलग व्यवस्था की गई है। इस शिविर में खास कर करके रोग से कैसे मुक्ति पाएँ और हम अपने जीवन को कैसे सुखमय जी सके, उसके लिए अकुप्रेशर और 8 प्राणायाम 64 अभ्यास हम लोग पूरा 2 घंटे का पैकेज प्रयास करेंगे और आधा घंटे